चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां ग्वालियर जिले में करीब एक महीने पहले इंदरगंज थाना क्षेत्र में सरेरा एक युवक की बेदर्दी से हुई मारपीट का मामला मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचा, जहां युवक का कहना है कि पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी आरोपियों का अब तक सुराग नहीं लगा है। बता दें कि हजीरा क्षेत्र में रहने वाले अजय सेंगर 15 जून को राजीव प्लाजा के सामने से गुजर रहे थे कि तभी दूसरी बाइक पर सवार होकर आए तीन बदमाशों ने उन पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया और फरार हो गए। इस हमले में अजय गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस मामले में मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि इसमें सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए जांच करने के बाद उनको जल्द पूर्व में एक मारपीट घटना हुई थी जिसमें व्यक्ति है अजय सेंगर, उसके साथ तीन अज्ञात लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। वह मौके पर उसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, अभी निकाल लिया है और जो भी इसमें अपराधी हैं वो अभी अज्ञात हैं, लेकिन उसका जो फरियादी का हमने स्टेटमेंट नोट किया है उसमें उसके द्वारा बताया जा रहा है कुछ लोगों पर संदेह उसके द्वारा जाहिर किया गया है। फरियादी थाना प्रभारी इंदरगंज को निर्देशित किया गया है कि जो संदेही हैं उनसे लगातार पूछताछ की, फुटेज के आधार पर जो आने जाने का रूट है उसको भी ट्रेस किया। युवक को हाथ में काफ़ी चोट थी, उसका मेडिकल कराया गया है और जो FIR में धाराएं लगाई गई हैं, अगर मेडिकल में कुछ और चोट आती है तो उसको भी विवेचना में शामिल करते हुए जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। मैं रोज की तरह 15 तारीख को मंदिर जाते रहिए और सुबह 9:30 बजे मेरे पर तीन लोगों ने हमला करा, सिर में डंडा मारा है के फिर मुझे मारा है, तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ, सिर पैर में भी चोट है। इंदरगंज थाने में FIR कराई थी और उसके बाद में वहाँ पे दो तीन बार गया भी साहब, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे। जैसे भैया मेरे घर के आसपास एक अरविंद तोमर है जो लजवंत तलैया पर रहता है, वो घूम रहा था। भैया जब भी मम्मी को खाना देने जाते थे तो आसपास दिखाई देता, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, दूध लेने जा रही हूँ, तो मैंने एक लड़के से बोला कि भाई ये कौन है, हम जानते नहीं थे उसको, तो उसने बोला कि अरविंद तोमर लजवंत तलैया पर रहता है। फिर मैंने उस लड़के से बोला भाई तुम्हारा क्या चक्कर है, भाई तुम क्यों हमारे आगे भैया खाना देने आता है तब तुम जाते हो, और उसके बाद में भी वो लड़का नहीं माना, फिर उसने हमारे घर तो आना इधर बंद कर दिया। कोणार्क हॉस्पिटल में बैठ करके वो रैकी कर रहा था भैया की, घटना वाले दिन भी वो सुबह 9:45 से लेकर के 10 बजे तक वहीं पर दिखाई दिया है। वो हमने उसमें उसकी फुटेज मैंने जो SP साहब को दी है वीडियो बना करके निकाल के, भैया को तो पता नहीं था कौन क्या है, भैया को मैंने बोली भी थी अपनी माँ को भी बोली, मुझे लड़का बार बार वीडियो में दिख रहा है, पूरी वीडियो में दिख रहा है।